हाय, मैं त्रिवेणी, ऑनको न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम zenonco.io। आज हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट ड्यूरिंग कैंसर। वेट मैनेजमेंट अक्सर कैंसर पेशेंट में देखा जाता है कि वेट लॉस होता है पेशेंट्स में। जब पहली बार वो कैंसर डायग्नोसिस के लिए आते हैं तो डॉक्टर जब पूछते हैं तो बोलते हैं बेवजह उनका वेट घट रहा है। तो अक्सर ये कैंसर का वेट लॉस अलग होता है नॉर्मल वेट लॉस से भी। तो वो ये ऐसा होता है कि जब कैंसर पेशेंट डायग्नोसिस हो जाता है तो ये वेट लॉस उनका स्केलेटल मास कम हो जाता है और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाता है। उनको ज़्यादा टायर्डनेस, फटीग, ये सारा महसूस होता है। और इसके अलावा पेशेंट्स को वेट लॉस क्यों होता है कि उनको जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है ट्रीटमेंट के साथ या जब उनका कुछ कंडीशन और भी फैलने लगता है कैंसर, तभी उनका वेट लॉस दूसरे मतलब नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फिर माउथ सोर्स और कभी इंडाइजेशन के प्रॉब्लम से भी उनका न्यूट्रिएंट्स जो है, फूड जो है, उनका इंटेक कम हो जाता है और उसके साथ साथ उनका अब्सॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो उसके लिए पेशेंट्स को पहले क्या करना चाहिए कि अपने न्यूट्रिशन का असेसमेंट करना चाहिए। उससे पता चल जाता है कि पेशेंट माल नरिश्ड है या कितना माल नरिश्ड है। जैसे कि क्लास होता है मॉडरेटली, सीवियर, यू नो, ऐसे क्लास भी डिवाइड होता है। तो वो अपने न्यूट्रिशनिस्ट उनको बताए, देखकर पता करेंगे कि कितना माल नरिश्ड है। तभी उनको जब वो पेशेंट का माल नरिश या वेट कितना कम हो रहा है उसके मुताबिक वो न्यूट्रिशनिस्ट उनको कैलकुलेट करेंगे अपने कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक में, फिर उनका उनके लिए अलग सा डाइट चार्ट बनाकर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसके बाद जब पेशेंट को डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया का मतलब निगलने में मुश्किल होता है, उस टाइम पर पेशेंट को ज़्यादा तरफ से फूड का कंसिस्टेंसी में चेंज करना चाहिए। वो है कि जैसे पेशेंट को जैसे माउथ कैंसर हो जाता है या पेशेंट जब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पर चला जाता है तो उनका माउथ में बहुत सारे छाले वगैरह हो जाता है। तो उस टाइम पर उनका खाने का कंसिस्टेंसी हम लोगों को चेंज करना चाहिए क्योंकि उनका इंटेक बहुत कम हो जाता है इसकी वजह से। तब हमें क्या करना चाहिए उस समय पर, हमें फूड का कंसिस्टेंसी लाइक जैसे हमने जैसे उनको स्मूदीज बनाकर आप खिला सकते हो या उनको जूस के फॉर्म में, जैसे जूस हो गया तो जूस अधिक मात्रा से वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को दोनों कंबाइन करके फ्रूट जूसेस बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ जब आप स्मूथीज बनाते हो तो उसमें भी आप चाहिए तो ये हरी वाली ग्रीन लीव्स आप ऐड करके फिर उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो या कॉम्बिनेशन आपको चुन सकते हो, आपको जो चाहिए वैसे कॉम्बिनेशंस में आप दे सकते हो। लेकिन ये भी देखना चाहिए उनके रीनल पैरामीटर्स को भी ध्यान रखते हुए, अगर कोई पेशेंट को किडनी का कुछ प्रॉब्लम है तो उनका रीनल पैरामीटर्स ध्यान रखते हुए उन सारी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हाई पोटेशियम और हाई सोडियम फूड्स जो होते हैं उनको अवॉइड करके या उनको इंक्लूड करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्मूदीज में आप चाहिए तो नट्स एंड सीड्स का भी पाउडर ऐड करके दे सकते हो और उसका कैलोरीज तब बढ़ भी जाता है जब आप प्रोटीन पाउडर्स, नट्स एंड सीड्स का पाउडर आप स्मूदीज में ऐड करेंगे तो एक ही ड्रिंक में उनका कैलोरीज भी हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप जो वाटर कंसिस्टेंसी का फूड जो रहता है, ज़्यादा मात्रा में पानी जो रहता है खाने में, वैसा कंसिस्टेंसी फूड्स आपको लेना चाहिए। जैसे खिचड़ी हम लोग जो घर में बनाते हैं वो थोड़ा गीला वाला फूड जो हम लोग बोलते हैं जिसमें हम पानी ज़्यादा डालते हैं वो, उससे उनको खाने में निगलने में आसान हो जाता है। और खिचड़ी जब आप बना रहे हो तो उसमें भी आप चाहिए तो थोड़ा ब्राउन राइस या रेड राइस या आपको मिलेट्स के साथ साथ थोड़ा दाल ऐड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है पेशेंट के एल्बुमिन और वो प्रोटीन का इंटेक से डिपेंड करता है और वो आपके डाइटिशियंस बता देंगे कि आपको कितना प्रोटीन इंटेक लेना है। तो उसी मात्रा में आप लोग दाल वगैरह ऐड कर सकते हो उसमें और उसके साथ साथ कहीं वेजिटेबल्स या आप उसके साथ कोई ग्रीन लीव्स भी ऐड करके खिचड़ी बनाकर, पतला वाला
कंसिस्टेंसी में आप बनाकर पेशेंट को खिला सकते हैं। अगर पेशेंट को माउथ सोर्स है, माउथ के छालेस बन जाते हैं, या कभी कभी पेशेंट को माउथ कैंसर हो जाता है, तभी उनका इनटेक बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस समय पर केयर टेकर्स को बहुत समझ में नहीं आता है कि कैसे उनका खाना खिलाएं हम, और उनका प्रोटीन और कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करें। तो उसके लिए हम डाइटिशियंस या सजेस्ट करेंगे कि उनको कि ना कंसिस्टेंसी में कैसा लेना है, कितना पहले जब सर्जरी होता है माउथ कैंसर में, तभी उनको बोलते हैं कि उनका पहले क्लियर लिक्विड से शुरू करते हैं। जब वो क्लियर लिक्विड्स मतलब टेंडर कोकोनट वाटर हो गया, बार्ली वाटर हो गया, या स्ट्रेन्ड फ्रूट जूसेस हो गया, ये सारे क्लियर लिक्विड्स हम लोग बोलते हैं, तो उसको पहले देना चाहिए। अगर वो वेल टॉलरेट करते हैं, पेशेंट अगर वो खाने पीने में टॉलरेट कर रहे हैं, तभी हम लोग उनको उसके बाद हम थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का फूड्स हम लोग सजेस्ट करते हैं। थिक कंसिस्टेंसी का मतलब जैसे दाल पानी हो गया, या आपको थोड़ा बटर मिल्क दे सकते हो, या उसके साथ साथ थोड़ा गंजी वगैरह, पतला वाला गंजी आप बनाकर वो भी दे सकते हो, या वो टॉलरेट करने के बाद हम लोग फिर उनको सेमी सॉलिड फूड्स में शिफ्ट करेंगे। तो सेमी सॉलिड फूड्स मैंने ऑलरेडी बताया है कि खिचड़ी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़। लेकिन जो पेशेंट को मुंह में छाले हैं या माउथ कैंसर होता है, तो उनको मैं ज़्यादा तरफ से अल्कलाइन रिच फूड्स ही खिलाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, उनका छाले पर छाले पर उनको ये दर्द नहीं होता है, तो उनको थोड़ा टेम्परेचर भी चेंज करना चाहिए उस समय पर। जैसे उनको थोड़ा कोल्ड फूड्स देना चाहिए, उसके साथ साथ कोल्ड फूड्स नहीं तो रूम टेम्परेचर वाले फ्रूट जूसेस या खिचड़ी वैसे आपको खिलाना चाहिए, जब मुंह के छाले होते हैं या मुंह माउथ का कैंसर जब होता है। तो उसके साथ साथ अगर पीने में तकलीफ़ हो रहा है, तो निगलने में तकलीफ़ हो रहा है, तो वो पेशेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉ के द्वारा, लेकिन स्ट्रॉ भी आपको देखना चाहिए कि वो अच्छी तरह से उसको स्टरलाइज किया हुआ हो। स्टील स्ट्रॉस आजकल बाज़ार में मिल रहे हैं, तो वो लेकर आप थोड़ा बहुत उससे भी पीने में आसान हो जाता है पेशेंट्स को। तो उसके बाद जब पेशेंट्स को डायरिया, बहुत सारे पेशेंट्स को डायरिया भी हो जाता है, तो उस समय पर डायरिया के समय पर हम लोगों को मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, और उसके साथ साथ थोड़ा फाइब्रस फ्रूट्स भी अवॉइड करना चाहिए। जब आप ये अवॉइड नहीं करेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, पेशेंट्स को डायरिया और ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, और उसे पेशेंट ज़्यादा वेट लॉस होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि उस समय पर जब तक उनका डायरिया रोक नहीं जाता है, तो आपको फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ साथ डॉक्टर्स ने जब रेकमेंड करते हैं, अपना डॉक्टर जब मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं लूज मोशन स्टॉप होने के लिए, या आपको नौशिया वॉमिटिंग स्टॉप करने के लिए, वो मेडिकेशंस आपको साथ साथ में लेना भी चाहिए, और साथ साथ में ये डाइट भी फॉलो करना चाहिए। अगर पेशेंट को इसके अलावा पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग ज़्यादा फीलिंग आ रहा है दवाई लेने के बाद भी, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय पर पेशेंट को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देना चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पेशेंट को खिलाना चाहिए, ज़्यादा उनको लिक्विड फूड्स देना चाहिए उसे, और वो भी उनको जब खाने के लिए बैठते हैं तो अपराइट पोजीशन में बैठकर उनको पीना चाहिए, लेट के तो नहीं पीना चाहिए उनको, क्योंकि वो नौशा फीलिंग ज़्यादा हो जाता है। तो आपको अपराइट पोजिशन में बैठ कर थोड़ा थोड़ा हर एक घंटे में या हर एक 1.5 आवर में जितना भी पियेंगे वो ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है, ज़्यादा गैप भी नहीं देना है पेशेंट को, क्योंकि ज़्यादा देर तक पेशेंट खाली पेट में रहेंगे तो वो नौशा फीलिंग ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बहुत ज़रूरी होता है उसमें, और ज़्यादा लिक्विड्स भी लेना है, क्योंकि नौशा डायरिया में क्या होता है, ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है शरीर से, एंड उससे इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो उस समय पर हम लोगों को ये ध्यान रखते हुए, जैसे नारियल पानी हो गया, या आपको ORS पानी विदाउट शुगर वाला आजकल मिल रहा है, तो वो भी आप पिला सकते हो, उसके साथ बटर मिल्क
या बार्ली वाटर, ये भी हम लोग रेकमेंड करते हैं। तो ये सारा चीज़ पेशेंट को लेना चाहिए। हाँ, अगर पेशेंट को फिर अपने खाने पीने का जो आइटम है होता है, जैसे ग्लास वगैरह होता है, तो वो भी चेंज करना चाहिए। मेटालिक टेस्ट जो आता है तो उसमें से भी पेशेंट को ज़्यादा नौशिया वॉमिटिंग हो जाता है, तो उसके लिए उनको नॉर्मल मेटल्स से चेंज करके, जैसे स्टील या सिल्वर आइटम्स आप लोग यूज़ कर रहे हो घर पे, तो उसको चेंज करके आप लोगों को सेरामिक वाले आइटम्स यूज़ करना चाहिए, यूटेंसिल्स यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, उनका टेस्ट का चेंज भी, टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता है। नहीं तो वो मेटालिक जब लेते हैं तो उनको वो स्मेल आने लगता है मेटल का, और पेशेंट ज़्यादा खा भी नहीं पाएगा। तो उसके साथ साथ पेशेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब घर में जब कुकिंग हो रहा है तो ज़्यादा नज़दीक किचन के पास ना रहे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर फूड जो होते हैं, जैसे ऑनियन गार्लिक वगैरह, घर में जो खाना बन रहा है उससे भी पेशेंट को नौशा फीलिंग ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखते हुए उनका राइट टाइम पर राइट फूड खिलाएंगे, या उसको अधिक मात्रा में प्रोटीन, जैसे डाइटिशियन से कंसल्ट करके कितना स्कूप प्रोटीन देना है, प्रोटीन पाउडर ऐड करना है, या कितना ग्राम्स का प्रोटीन रेकमेंड किया है, उतना उन लोगों को फॉलो करना चाहिए हर एक मील में। तो इससे वेट मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर पेशेंट थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक रहता है तो उनको एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शन होने में हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तभी हमारा न्यूट्रिएंट्स वेल अब्सॉर्ब होते हैं शरीर में, और डाइजेशन भी ठीक से हो जाता है। खाना खाने के बाद हर एक पेशेंट को हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि 10-15 मिनट उनको चलना चाहिए, जाके तुरंत लेटना नहीं चाहिए उनको। तो ये सारी चीज़ आप लोग मेंटेन करने से वेट मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग वेट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट का माल नरिश हो जाएंगे, और उससे उनको इन्फेक्शंस जल्द से जल्द पकड़ने का चांसेस रहता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वगैरह सप्रेस हो जाता है। तो कैंसर पेशेंट्स में ये वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कि मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहा है आप लोगों को मैनेज करने में, वेट मैनेजमेंट में। थैंक यू।